दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट के इतिहास के बारे में बताएंगे कि आखिर किस तरह यह अन्य देशों तक पहुंचा। भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान, वहीं खेल को धर्म का दर्जा दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज के समय में भारतीय टीम क्रिकेट के हर प्रारूप, चाहे टेस्ट हो, ODI हो या फिर T20, हर जगह पर अपनी धाक जमाए बैठे हैं। आइए जानते हैं क्रिकेट का इतिहास क्या है। शुरुआत में जब भारत ने इस खेल को खेलना शुरू किया था, उससे पहले कई देश इस खेल में महारत हासिल कर चुके थे। वैसे तो क्रिकेट की उत्पत्ति 450 ईस्वी या फिर 1066 ईस्वी काल में मानी जाती है। देखा जाए तो पहली बार भारत में क्रिकेट मैच 1721 में खेलना शुरू किया गया था। इसकी लोकप्रियता बढ़ने के बाद 1792 में पहले क्रिकेट क्लब का निर्माण कोलकाता में हुआ। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी उपनिवेशों के माध्यम से यह उत्तरी अमेरिका में पहुंचा और 18वीं शताब्दी तक आते आते यह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो चुका था। इसे वेस्ट इंडीज़ में उपनिवेशवादियों द्वारा और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों द्वारा लाया गया था। 1900 के बाद क्रिकेट को काफ़ी अच्छे से खेला जाने लगा। उस वक्त यह खेल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच गया और फिर 1912 आते आते मुंबई के पारसी, सिख, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग यूरोपियन से टूर्नामेंट खेलने लगे। साल 1930 से 1940 के दशक में अपनी खेल की प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए भारतीय टीम ने जी तोड़कर मेहनत की, पर अभी तक भारतीय टीम को किसी तरह की कोई अंतर्राष्ट्रीय जीत नहीं मिली थी। और इसी बीच दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिस दौरान कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला गया। साल 1947 में भारत के आज़ाद हो जाने के बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली और यह पहली बार था जब भारत इंग्लैंड के अलावा किसी और टीम के साथ खेल रही थी। इस मैच में भी भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 1956 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज जीतने के कुछ सालों बाद तक भारत को हार का सामना करना पड़ा था, पर 1961 में फिर से वापसी करते हुए भारत ने इंग्लैंड को हराया। साल 1971 में क्रिकेट के नए प्रारूप वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल की शुरुआत हुई और भारत को अपने टेस्ट क्रिकेट में एक एवरेज टीम माना जाने लगा, लेकिन ODI में टीम बिल्कुल ही कमज़ोर थी। यही वजह थी कि 2 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन 3रे वर्ल्ड कप में कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ियों के दम पर भारत ने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को बुरी तरह हराया और एक कमज़ोर टीम वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुकी थी। इसके बाद तो लोगों के बीच क्रिकेट का ऐसा खुमार नज़र आया कि यह आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी .com।